जी नमस्कार। एक पाठ है बल तथा दाब, उसमें एक जल पंप का वर्णन किया गया है, तो मैंने जल पंप के लिए खिलौना बनाया है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने जल पंप का खिलौना बनाया, आपको शायद दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा और पास से इसको दिखा सकता हूं। ये देख लीजिए आप, ये बिल्कुल हैंड पंप की तरह आपको आकृति दिखाई दे रही होगी। पहले तो मैं इसको चलाकर आपको दिखा देता हूं, इसके बाद मैं ये आपको बताऊंगा कि बनता कैसे है। इस मग के द्वारा मैं आपको चलाकर दिखाऊंगा कि चलता कैसे है। ये मैंने मग रख लिए, इसमें पानी भरा हुआ है मैंने। इस पानी भरे हुए मग में तो मैं ये इसको उठा लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे। इसको इसका निचला हिस्सा डुबा देते हैं पानी में, डुबा दिया। अब मैं इसको चला रहा हूं, देखिएगा आप, ये देखिए आप देख पा रहे हैं इसको चलता हुआ शायद। ये देखिए कितना बढ़िया, बिल्कुल असली जल पंप की तरह ही दिखाई दे रहा है। इतना सुंदर खिलौना, बच्चे दिन भर इसकी सहायता से खेल सकते हैं और ये जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे कि आखिरकार पानी निकल कैसे रहा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इससे पानी निकलता कैसे है। ये देखिए मैंने एक ही डिब्बी ली हुई है, एक ही मैंने डिब्बी ली हुई है। ये डिब्बी आपको जहां शुगर उगर चेक करने वाले जो लोग हैं वहां पर स्टिक इसके अंदर रखी जाती है, ये डिब्बी वहां आसानी से मिल जाती है, तो आप इस डिब्बी को ले सकते हैं कहीं से। इस डिब्बी में मैंने ऊपर हॉल करके हैंडपंप का लुक देने के लिए एक जेल पेन की रिफिल काट के लगा दी है। इसकी पेंदी में मैंने एक छेद किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए। और इस छेद को बंद करने के लिए ये जो एक रुपए है, ये छोटा वाला एक रुपए एक का सिक्का जो आता है वो इसमें एकदम फिट आ जाता है, वो मैंने इसमें डाल दिया। अब ये जो छेद है नीचे वाला, अब ये एक वॉल्व बन गया, यानी कि इससे पानी जा तो सकता है ऊपर लेकिन ऊपर से वापस नहीं लौटेगा, ये एक वाल्व का काम करेगा। ये मेरा एक हिस्सा तैयार हो गया। अब बात करते हैं अगले हिस्से की। ये मेरे पास एक वायर पड़ा हुआ था एल्युमिनियम का, आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी लोहे का वायर या कोई भी ऐसा वायर जो थोड़ा टाइट हो ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके ढक्कन में मैंने छेद कर दिया ताकि इसको बाद में बंद करने में आसानी रहे। और ये आपने देखा होगा जो छोटे बच्चों को दवाइयां पिलाते हैं जो लोग, उनका ड्रॉपर है ये, ऊपर का ढक्कन देख पा रहे होंगे आप, ये ड्रॉपर का ढक्कन मिल गया। और ये ड्रॉपर वाशर का काम करता है, और इत्तेफाक की बात है कि ये वाशर इसमें एकदम फिट आ गया, एकदम फिट, जैसे ये इसी की नाप के लिए ही बनाओ। अब जब हमने क्या किया कि इस वाशर को इसमें डाला तो ये तो पूरी जगह कवर कर लेगा, तो पानी बाहर कैसे आएगा, तो इसलिए यहां पर मैंने एक कट लगा दिया है, एक छेद कर दिया है छोटा सा, ताकि अंदर से पानी ऊपर निकल आए। अब इस वाशर को आराम से इसके अंदर डाल दिया, और जैसे ही इसके अंदर डाल दिया तो ढक्कन बंद हो जाएगा। ढक्कन बंद करने के बाद मेरा ये सुंदर सा जल पंप तैयार हो गया। अब इस जल पंप के द्वारा हम आराम से इसको चला के बच्चों को जल पंप की पूरी क्रियाविधि समझा सकते हैं, जल पंप के बारे में उन्हें जानकारी दे सकते हैं, उनकी रोचकता विज्ञान के प्रति बढ़ा सकते हैं। जी धन्यवाद।